नमस्ते दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मनचाहा पोर्टफोलियो न मिलने से नाराज गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल माने आज संभालेंगे चार्ज शाह ने दूर की नाराजगी। गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल आज अपनी मिनिस्ट्रीज का चार्ज संभाल लेंगे। रविवार को उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की। पटेल ने कहा, अमित शाह जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मुझे मनमाफिक डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। बता दें कि 26 तारीख को गुजरात में BJP ने लगातार छठवीं बार सरकार बनाई थी। विजय रूपाणी को CM बनाया गया है, नितिन पटेल को डिप्टी CM जरूर बनाया गया, लेकिन उन्हें फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री नहीं दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन इसी वजह से नाराज थे और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज का चार्ज नहीं लिया था। नाराजगी पर क्या बोले नितिन पटेल? रविवार सुबह मीडिया से बातचीत में नितिन पटेल ने कहा, आज मैं सेक्रेटेरिएट जाऊंगा और अपनी मिनिस्ट्रीज का चार्ज संभालूंगा। पटेल ने आगे कहा, अमित शाह जी का शुक्रिया, उन्होंने मुझसे फोन पर बात की है। शाह ने मुझे मनमाफिक मंत्रालय देने का वादा किया है। इस भरोसे के लिए एक बार फिर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्यों नाराज थे नितिन पटेल? BJP ने जिन विधायकों को मंत्री बनाया है वो सभी शुक्रवार को ही चार्ज ले चुके हैं, लेकिन नितिन पटेल ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मीडिया में खबरें आई कि पाटीदार समुदाय से आने वाले नितिन पटेल मनमाफिक पोर्टफोलियो न मिलने से नाराज हैं। पिछली सरकार में पटेल के पास फाइनेंस, पेट्रोकेमिकल्स, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और नर्मदा जैसे बड़े मंत्रालय थे, इस बार ये नहीं दिए गए। उनकी नाराजगी की वजह यही थी। बताया जाता है कि नाराजगी की वजह से नितिन पटेल सरकारी गाड़ी की जगह पर्सनल कार का इस्तेमाल कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले हिमाचल कैबिनेट और बाद में दूसरे कामों में बिजी थे, इस वजह से नितिन का मामला लटकता गया। इस बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मीडिया से बातचीत में नितिन को 10 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नितिन पटेल कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें CM बनाया जाएगा। BJP के लिए क्यों अहम है नितिन पटेल? गुजरात में पिछली सरकार के दौरान पाटीदार आरक्षण आंदोलन काफी बढ़ा था। हार्दिक पटेल ने हालिया असेंबली इलेक्शन में BJP के लिए दिक्कतें खड़ी की थीं। हार्दिक ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। BJP इस इलेक्शन में बमुश्किल सरकार बना पाई, उसे 99 सीटें मिली, पिछली बार से 16 कम। नितिन पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं, BJP के लिए वो पाटीदार नेताओं का बड़ा चेहरा है, इसलिए पार्टी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। इसी वजह से खुद अमित शाह ने नितिन पटेल को मनाया। दोस्तों हम आप तक नई नई न्यूज पहुंचाते रहे, इसके लिए आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।